दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम जानेंगे कन्या लव राशि फल अक्टूबर 2020। अक्टूबर के प्रेम संबंध आपके कैसे रहेंगे, लव राशि फल क्या कहता है, क्या कहते हैं ग्रह के परिवर्तन, ग्रहों के गोचर आपके लव राशि फल को, आपके जीवन को कैसे परिवर्तित करते हैं हर महीने, हम जानते हैं इस लव राशि फल में। और इस लव राशि फल को बताने में मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है, और क्यों हो रही है उसे आप आगे जान पाएंगे। लव राशिफल शुरू करें उससे पहले आपको बता दें, हमारा राशिफल चंद्र राशि के आधार पर होता है। चंद्र राशि यानी कुंडली वाली राशि, उसी राशि के अनुसार आप इस राशिफल को देखें और सुने। दोस्तों अगर आपको चंद्र राशि पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। दोस्तों प्रसन्नता क्यों हो रही है उसकी वजह जानते हैं, क्योंकि अभी तक मैं आपको जो राशिफल देता था उनमें कन्या राशि के लिए मैंने स्थितियां देखी हैं कि बहुत नेगेटिव रही हैं। और मैं नेगेटिव क्योंकि मैं तो आपको सच बताता हूं, कई लोगों को बुरा लगता है कि नेगेटिव क्यों बोलते हो। मेरे पास में आज 9 महीने के अंदर अगर 1.5 लाख लोगों ने अपना सब्सक्राइब का बटन दबाया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो ये सच बोलने का नतीजा है। ये विश्वास जो आपका हमने जीता है वो सच बोलने के बल पर जीता है, ये आप लोग कमेंट करके बताते रहते हैं। मैंने और लोगों के भी कमेंट देखे हैं कई बार दूसरे चैनल्स के, जिसमें केवल और केवल कुछ अजीब तरह के एक ही कमेंट आते हैं जिसमें लगता है कि ये तो किसी एक व्यक्ति के द्वारा किए हुए कमेंट है। लेकिन जब मैं अपने कमेंट्स पढ़ता हूं, जब मुझे टाइम मिलता है, तो मैं देखता हूं कि लोग अपने विचार लिख रहे हैं, लोग लिख रहे हैं कि क्या गलती है और क्या आपने सच बोल दिया, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। और सच है, क्योंकि हर चीज सच हो सकती है पर अच्छी लगे ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि कड़वी चीजें अच्छी नहीं लगती, सच भी कड़वा ऐसा मेरे द्वारा बोला जाता है। लेकिन इस बार प्रसन्नता इसलिए हो रही है क्योंकि इस बार की स्थितियां बेहद खास हैं। आपके राशिपति बुध बनते हैं और बुध जाकर के तुला राशि में बैठेंगे पूरे महीने, और तुला राशि में इनका गोचर बहुत ही श्रेष्ठ माना जाएगा। आपके राशिपति हैं जिसमें बहुत ज्यादा कोमलता है, निर्मलता है और सच्चे प्रेम के कारक माने जाते हैं। एक बच्चापन होता है, एक स्वभाव होता है, एक व्यवहार होता है, और शुक्र की राशि में इन्हें प्रबलता मिल जाती है। प्रबलता क्यों मिल जाती है, शुक्र जो कि भोग ऐश्वर्य के कारक माने जाते हैं, ये शुक्र हैं जो व्यवहार को दर्शाते हैं, शुक्र हैं जो बताते हैं कि किसके साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए। और यहां पर ये स्थितियां क्योंकि बुध जाकर के द्वितीय भाव में तुला राशि में बैठेगा, तो तुला राशि इच्छात्मक राशि है, बहुत ज्यादा इच्छाएं, बहुत ज्यादा व्यक्ति के अंदर उमंग जागती है, व्यवहार कुशल बहुत ज्यादा व्यक्ति बन जाता है। इसमें द्वितीय भाव में जाकर के व्यक्ति का व्यवहार श्रेष्ठ हो जाता है, और आपका व्यवहार श्रेष्ठ ही नहीं होगा, आपके प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। आपका पार्टनर, क्योंकि ये परेशानी मुझे इसलिए और खुशी हो रही है क्योंकि कन्या राशि के दर्शक मेरे सबसे प्रिय दर्शक हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रेम इन्हीं लोगों से मुझे मिला है अभी तक हमारे चैनल पर, सबसे ज्यादा कन्या राशि के दर्शक जुड़े हुए हैं। और यहां पर आपको बता दें कि जो स्थितियां बन रही हैं वो सर्वोत्तम इसलिए और बन जाती हैं क्योंकि इस अक्टूबर के महीने में शुक्र की जो स्थिति है, शुक्र जो कि राशि परिवर्तन करके आपकी राशि में आएंगे और वो भी बहुत अच्छी स्थिति बनाएंगे, भले ही नीच के रहेंगे प्रेम संबंधों में, ये थोड़े बहुत नेगेटिव पॉइंट लगता है, लेकिन पॉजिटिव बताते हैं आपको पहले, क्योंकि आपको पॉजिटिव सुनने के लिए बहुत दिनों से आप तरस गए थे, और आपको ये तो विश्वास है कि मैं पॉजिटिव बता रहा हूं, मैं नेगेटिव भी बता सकता हूं, लेकिन मैं वही बता रहा हूं जो सच है, और पॉजिटिव इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि अब पॉजिटिव आपका सुनने का वक्त आ गया है। बुध आपके बहुत ज्यादा प्रेम संबंधों में मजबूती देंगे, जो आपकी परेशानी चल रही थी, अभी तक पार्टनर आपको समय नहीं दे रहा था या थोड़ी बहुत खटपट चल रही थी, अफेयर इत्यादि में नाराजगी चल रही थी, सब समाप्त होंगे। पार्टनर अब आपके एक एक शब्द को तरसेगा, आपका व्यवहार आपकी वाणी को सुनने के लिए तरसेगा, बार बार मन करेगा आपसे बात करने का, बार बार मन करेगा आपको समय देने का, और सबसे जो अच्छी बात है
और क्योंकि आप जो मांगते हैं वो समय ही मांगते हैं, आप पार्टनर से यही उम्मीद करते हैं कि मुझे समय मिल जाए, जितना ज्यादा समय दे दे। वैसे आप समझदार हैं और आप जानते हैं कि केवल प्यार करने से ही पेट नहीं भरता, काम भी करना चाहिए उसके लिए, तो आप ये भी फोकस करते हैं, इस बात पर भी ध्यान देते हैं कि करियर पे भी ध्यान दो, अपनी जॉब पर भी ध्यान दो, अपने बिजनेस पर भी ध्यान दो, लेकिन उसके साथ साथ आप समय भी मांगते हैं और वो समय आपको नहीं मिलता है तो आपको खेद होता है, दुख होता है, टेंशन होती है, लेकिन अब वो टेंशन दूर होगी, वो समय मिलेगा, क्योंकि आपके अंदर वो ओजस्वता आ जाएगी, आपका व्यवहार इतना अच्छा हो जाएगा कि अब आपका पार्टनर आपकी ओर खिंचा चला आएगा। ये आपके लिए पॉजिटिव ही पॉजिटिव है। और स्थितियां, क्योंकि बुध है, बुध की तो स्थितियां बता दी, लेकिन और स्थितियां जो खराब करेंगे उन्हें भी बताएंगे। कन्या राशि में सूर्य का गोचर रहेगा, सूर्य का गोचर 16 अक्टूबर तक रहेगा और 16 अक्टूबर तक का ये गोचर थोड़ा बहुत मतभेद करेंगे पति पत्नी में, थोड़ा बहुत। सिंह राशि के सूर्य है, अग्नि ज्यादा है, रिश्तों में थोड़ी बहुत जलन सी महसूस कराएंगे एक दूसरे को, जलन महसूस करेंगे आप, और इस जलन में थोड़ा बहुत मतभेद होगा, वैचारिक मतभेद, ज्यादा परेशानी नहीं होगी पति पत्नी में, हस्बैंड वाइफ में। और ये सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे 16 अक्टूबर को, और ये परिवर्तन, ये जब परिवर्तित करेंगे तो कहीं ना कहीं ये तुला राशि में नीच राशि के हो जाएंगे जाकर के, तो यहां पर 16 अक्टूबर से अफेयर इत्यादि में और खासकर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ये परेशानी देंगे, वहां पर डर का माहौल बनाएंगे, आप डरेंगे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बना लिए भेद ना खुल जाए, पता ना चल जाए, ये भय का माहौल रहेगा, कॉन्फिडेंस लो रहेगा, कॉन्फिडेंस में कमी रहेगी, डर रहेगा, जो काम कर रहे हैं उसमें मन नहीं लगेगा। अब ये सूर्य की स्थितियां हो गई, अब बात करते हैं शुक्र के गोचर की। शुक्र का जो परिवर्तन एक बार होगा और ये शुक्र गोचर करेंगे आपकी राशि से द्वादशस्थ सिंह राशि में, सिंह राशि के जब तक रहेंगे तब तक तो स्थितियां कुछ अच्छी बनाएंगे 23 अक्टूबर तक की, और 23 अक्टूबर के बाद की जो स्थितियां होंगी, क्योंकि नीच राशि के आ जाएंगे तो पति पत्नी वाला प्रेम, खासकर पति पत्नी वाला प्रेम, ज्यादा एक दूसरे से संबंध नहीं बनाएंगे, फिजिकली नहीं होंगे, तो इससे ज्यादा आपके अगर एक पार्टनर ज्यादा रोमांटिक है तो उसमें स्थितियां बिगड़ जाएंगी और उसका मन खिन्न हो जाएगा, थोड़ी बहुत बेचैनी बनी रहेगी और थोड़ा बहुत व्यवहार भी खराब हो जाएगा वो 23 अक्टूबर के बाद में, और खासकर पति पत्नी वाले संबंधों में। और ये स्थितियां 23 अक्टूबर से पहले ऐसी बनती हैं कि जो लोग प्रपोज करना चाहते हैं किसी को, उसके लिए बेहतर समय है। हाँ, एक स्थिति ये शुक्र जरूर बनाएंगे द्वादश में रह करके, द्वादश में रह करके ये स्थिति बनाएंगे कि थोड़ी बहुत, अब आप कहेंगे कि थोड़ी बहुत ही है, ये ज्यादा नहीं है, इसमें अगर ज्यादा होती तो मैं पहले ही बोल देता, थोड़ी बहुत स्थिति ऐसी बनेगी कि आपको शक ज्यादा होगा या आपके पार्टनर को आप पर ज्यादा शक होगा, इस वजह से थोड़ा बहुत मतभेद होगा, और खासकर पति पत्नी वाले प्रेम में, अगर आप शादीशुदा हैं उनके लिए, अगर आप शादी नहीं की है और शादी करना चाहते हैं उसके लिए शुभ संकेत मिल रहे हैं, और आप निश्चित ही अक्टूबर में कुछ स्थितियां बनेंगी जिसमें आपका पार्टनर अपने घर वालों से मिला सकता है, बात कर सकता है, उसके लिए भी स्थितियां बनेंगी, तो ये संभवतः स्थितियां बनती हैं। और जिसके लिए बेहतर समय है, अगर आपका पार्टनर वृश्चिक राशि का है तो आपके लिए समय काफी बेहतर है, अगर आपका पार्टनर मकर राशि का है तो आपके लिए बेहतर समय है, यह आपके लव लाइफ के लिए बेहतर समय रहेगा, और जो स्थितियां हैं उनके अनुकूल आपका जो अफेयर इत्यादि है, अफेयर की समस्या है, वो कहीं ना कहीं आपकी स्थिति वृषभ राशि का अगर पार्टनर है तो स्थिति थोड़ी सी बिगड़ेगी, वृषभ राशि का अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आप वृषभ राशि से बनाते हैं तो स्थितियां बिगड़ेंगी, अगर आप प्यार करते हैं वृषभ राशि से तो बहुत ही अच्छा समय रहेगा, बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अच्छा नहीं रहेगा। अब दोस्तों, और अच्छा बनाने के लिए, आपके लव राशि फल को और अच्छा बनाने के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए, उपाय सर्वोत्तम उपाय, ओम गंगणपतये नमः, गणेश जी की आराधना कीजिए जितनी हो सके, ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का जप कीजिए, आपको निश्चित ही कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बल्कि
मैंने नेगेटिव जो बोला है वो आप कम से कम मान के चलिए, बहुत ही कम, पॉजिटिव ज्यादा मान के चलिए। नेगेटिव इसलिए बोला है क्योंकि थोड़ी बहुत स्थितियां हैं जो ग्रह थोड़ी बहुत देंगे, तो कहीं ना कहीं उसको बताना भी जरूरी समझा, नहीं तो कई लोग फिर कमेंट करते कि इस बार सही नहीं गया। इसलिए हर बात आपको जो तथ्यों के आधार पर है वही आपके साथ में साझा की। आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।